वस्त्र मंत्रालय के उप महानिदेशक अखिलेश कुमार ने कहा कि वस्त्र उद्योग के सभी उत्पादों का भारत टेक्स सबसे बड़ा मेला है। इसमें देश के वस्त्र उत्पादकों को भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। विदेश में जाकर रोड शो कर आयातकों को भी भारत आने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। वे एक्सपो मार्ट भदोही में रोड शो के पहले संबोधित कर रहे थे। CEPC चेयरमैन मुकेश कुमार गोम्बर ने कहा कि भारत टेक्स में ही इंडिया कारपेट एक्सपो को समाहित कर दिया गया है। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने कहा कि भारत टेक्स में भागीदारी के लिए स्टॉल की कीमतों में भारी कमी की गई है। पूर्व CEPC की कार्यकारी निदेशक डॉ. स्मिता नागरकोटी, DGFT कार्यालय वाराणसी के विदेश व्यापार अधिकारी अजय कुमार श्रीवास्तव, ऑल इंडिया कारपेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद रजा खां, अशोक कुमार वर्मा उपनिदेशक विकास आयुक्त, सिद्धार्थ त्यागी उपनिदेशक निर्यात प्रोत्साहन परिषद हैंडीक्राफ्ट में भी विचार व्यक्त किए। CEPC चेयरमैन ने बताया कि आयातकों को भारत टेक्स में आने के लिए CEPC खुद अलग से प्रयास कर रही है। अब 103 कालीन निर्यातकों ने 2300 वर्ग मीटर स्टॉल की बुकिंग भी करा ली है। स्ट्रीट पर्स के लिए भदोही से नितेश रासो की रिपोर्ट। आज ये जो भारत टेक्स है, इसमें ये क्या एजेंडे से आज कार्यक्रम है? भारत टेक्स ये मोदी जी का विजन है और पीयूष गोयल साहब जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं और मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत बड़ा इनिशिएटिव अपने सिर पे लिया, अपने कंधों पे लिया और इसको प्रमोट करने में उन्होंने कोई भी चीज़ जो है छोड़ी नहीं। तो आइडिया ये है कि भारत जो ग्रो कर रहा है, जो ग्रोथ फैक्टर हो रही है, ये कैसे बढ़ाई जाए और इसको दुनिया को कैसे दिखाई जाए। तो ये भारत टैक्स जो है पूरी दुनिया को दिखाने के लिए, पूरी दुनिया की प्रमोशन करने के लिए दुनिया में, तो प्रमोशन के साथ साथ एक बिजनेस ग्रोथ भी होनी चाहिए। तो उसी से जितनी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं उन सब के माध्यम से हम वो अपने अपने जो मेंबर एक्सपोर्टर्स हैं उनको पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप आइए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। अगर हम मतलब ये पहले कभी आज तक नहीं, तो उम्मीद है कि ये एक स्टेपिंग ग्राउंड हो जाएगा फ्यूचर के लिए। तो और कलेक्टिवली गवर्नमेंट इतना इनिशिएटिव ले रही है, ग्लोबली इतना इसको प्रमोट कर रहे हैं कि आई थिंक इट्स गोइंग टू ब्रिंग गुड बिजनेस। CEPC किस तरीके से इस कार्यक्रम पे अपनी साथ इधर देख के बोल रही है? CEPC जो है, CEPC इज रिस्पॉन्सिबल टू एक्सटेंड इन्विटेशन नॉट ओनली टू पार्टिसिपेंट्स बट टू द बायर्स ऑल्सो। ये हमारा प्रेरोगेटिव है, क्योंकि अब कोई वूल एंड फाइबर वाला तो हमारे बायर्स को नहीं बुलाएगा,